ईद के मौके पर शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों ने ईद की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर शहर के ततारपुर, मौलाना चक स्थित सबाजिया मस्जिद, शाह मार्केट, जामा मस्जिद, विकनपुर, बहरपुरा, नरगा एवं सिटी एस मैदान समेत विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में नमाजियों ने ईद की नमाज़ अदा की। इस मौके पर बड़े बुजुर्गों और नौजवानों के साथ छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर भी ईद की खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़े जहां एक दूसरे के गले मिलकर खुशियां बांट रहे थे, वहीं बच्चे खिलौने लेने, मिठाइयां खाने और झूला झूलने में मगन थे। इत्र की खुशबू से मस्जिद और ईदगाह महकता गमकता रहा। बात उठा देते हैं, लेकिन इसका इलाज ये है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अल्लाह उनको नेक समझ दे और अपने रास्ते की माँ का मार्गदर्शन कराए, हिदायत दे और ऐसी बातों से बचने वाला बन बनाए। और जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, ये बहुत है, 99.99% है। आप अगर उसी के बाद से देखिएगा, अगर हम सब अपने अपने महल्ले और पड़ोस में सभी धर्म समुदाय के लोग इस बात का संकल्प लें और निर्णय करें कि अगर कोई गलत किस्म की बात किसी की तरफ से आए, मेरे धर्म के मानने वाले या किसी धर्म के मानने वाले की तरफ से आए, किसी जाति की तरफ से आए, जो इंसानियत से हट कर बात है, वो धर्म की बात नहीं होती। धर्म का भले लोग नाम ले लें, लेकिन धर्म की किताबों को अगर देखेंगे तो उसमें ये सब नहीं मिलेगा। धर्म की किताब में तो एक दूसरे का ख्याल ही मिलेगा, प्यार मिलेगा, और इसको देखें आप तो हमको ये बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और आप ये भी देखें कि भारत में जो धार्मिक लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक ही समुदाय के लोगों के दरमियान हो गई थी, कोई बाहर के लोग नहीं, कोई दूसरे समुदाय के लोग नहीं थे, सब एक ही धर्म के मानने वाले थे। सिर्फ ये था कि धर्म का सही वर्णन नहीं करते थे और धर्म का गलत काम कर रहे थे, तो धर्म के मानने वालों ने से धर्म युद्ध दे दिया, उनके खिलाफ हथियार उठा लिए। आप ये देखें मैदान लड़ाई के मैदान में भी जब लोगों ने वो किया तो कृष्ण जी थे, सब लोग थे, इनके क्या मार्गदर्शन, राम जी का किस तरह का चरित्र है, ये हम सामने रख के अपने धार्मिक किताबों पढ़ेंगे तो उनको मोहब्बत से समझाने। आज आप लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं, शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ईद किस तरह का पैगाम लेके आता है? प्रतीक है, आपस में मिलकर खुशियों का ये ईद का पर्व त्यौहार मनाया जाता है। इसमें अल्लाह के बंदे कि वो शुक्राने के तौर पर मस्जिदों में आकर सजदे और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें, उनकी सेवा करें और इस बात का संकल्प लें और सब मिलकर दिलों से हर कीने को, झगड़े की बुनियाद को मिटा कर एक दूसरे को गले लगाने का पर्व त्यौहार है। खासतौर पर अपने पड़ोसियों का पूरा ख्याल रखने का त्यौहार है, वो किसी मजहब मजहब किसी जाति किसी समुदाय से, सबको गले लगाइए, सबको मिलकर ईद की खुशी मनाइए। ईद
सन्मार्ग के माध्यम से शहरवासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि पूरे शहरवासियों को सबसे पहले तो हम तहे दिल से ईद की शुभकामनाओं पेश करते हैं। अपील करते हैं कि ये सब हम सबका त्यौहार है, ये हमारे हमारे नगर का, शहर का, हमारे मुल्क का त्यौहार है। आइए मिलकर